हम लोग वापस आ चुके हैं, सीरीज हार चुके हैं और सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो उठने ही है क्योंकि हरकतें ही ऐसी उनकी। जिस तरीके की टीम भेजी गई थी वो कुछ कर दो पाई नहीं, न जिस कप्तान कुछ कर पाए ना उनके खिलाड़ी कुछ कर पाए। कप्तान ने कुछ करने कहां दिया कुछ खिलाड़ियों को, तो कई खिलाड़ी हैं जो थे अच्छे उनको करने नहीं दिया, और जो अच्छे नहीं, रहते हैं उनको सेलेक्ट किया नहीं जाता है तिलक टीम में। वर्मा को कहा था आराम से खेलो, 49 रन पे खेल रहा था और इतना मारा था उस मैच में उस लड़के ने, लेकिन हार्दिक पांड्या आया और वो बता दिए कि देखो मैं कप्तान हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं आराम से खेलना है और एक भी रन नहीं बनाना, और अगली बॉल भी छक्का मार के तो मैच ये जिता देखो दिए। तरीके हैं गाली खाने के, अगर चुपचाप सिंगल दे देते तो गाली ना पड़ती, पर होता है ना कि हर मैच जिताओ गाली खाओ, अब आदत है इन लोग की। अब गाली हार्दिक पांड्या को जरूरत से ज्यादा पड़ चुकी है, लेकिन अब थोड़ी बहुत गाली सिलेक्टर्स को भी पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की टीम ये सेलेक्ट करके भेज रहे हैं उसका न सर समझ में आ रहा है ना पैर समझ में आ रहा है। क्योंकि पिछले 5 महीनों में तो 4 बार इन्हीं की टीम चेंज हो चुकी है। हाँ, और ये कुछ महीने पहले तो कह रहे थे कि दो टीम अगर खिला देंगे ना तो किसी भी टूर्नामेंट में जाके जीत जाएंगे। तीन अच्छा, तीन 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 कह भेज रहे थे? रहे अरे थे, अब बाप रे, 3 मैच जीतना दुश्वार है इनके लिए। तीन मैच लगातार, तीन सीरीज से इनकी जो हालत है, हमको लग रहा है कहीं वर्ल्ड कप क्वालिफाई हो गए ना ये वर्ल्ड कप में। वो अरे तो भगवान का कहो घर है। अच्छा है हो गए क्वालिफाई, नहीं तो वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से मारा था ना भाई साहब, वेस्ट इंडीज को जाना चाहिए था, इनको तो नहीं जाना चाहिए था। और ये सिलेक्टर जो है ये कर क्या रहे हैं हमको, ये कौन है सिलेक्टर अभी? अजीत अगरकर यार ये खेलता तो अच्छा है लड़का, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा तो लड़के ये कहीं खुद से। ही 1 महीने पहले सेलेक्ट हुए हैं टीम में, इनको सेलेक्टर ही 1 महीने पहले चुना गया है। जब सोचो टीम छोड़ो, सिलेक्शन कमेटी हर 5 महीने में चेंज हो जाती है। अगर तुमको प्लेयर चुनना हो जब तक तुम समझो तमी को छाटो, नहीं अच्छा तुम जाओ चेंज। एक मिनट रुको, और अगर 2 साल तक एक ही कमेटी खिला देंगे तो जीत नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप, जीत तो ऐसे भी नहीं रहे ना। नहीं तो कोशिश भी नहीं करेंगे। अभी जो टीम बना रहे हैं ये, अभी 2 महीने बचा वर्ल्ड कप के लिए, अभी 10 दिन पहले ही किसी और को लेके चले आएंगे कि नहीं विजय शंकर खेलेगा। हम राइडू तुमको बता रहे हैं विजय शंकर तमिलनाडु प्रीमियर लीग में 50 रन बना दिया है, की जगह खा राइडू की गया। जगह पिछली बार खाया था ना वो बेचारा चश्मा लगा के बैठा था, इस बार किसका नंबर जाएगा हमें तो डर लग रहा है। एक का नंबर जा चुका है शिखर धवन, शिखर धवन का वो बेचारा अच्छा खासा बैट्समैन, वर्ल्ड कप में इतने रन बनाता है, आईसीसी टूर्नामेंट में उसने इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं, पर उसको रील बनाने बिठा दिया है। क्योंकि अगर ले लेंगे तो जीत नहीं जाएंगे, और जीतना है नहीं। भारत महान है, देखो सीधा फंडा है, दूसरों को जिताओ हम सीरीज जीतेंगे। कौन सी? कोई भी जो अच्छी छोटी कोई टीम भी हो नहीं, जाएंगे कोई भी नहीं जीत पा रहे हैं यार। अभी देखो आयरलैंड जीतेंगे जा रहे जीतेंगे हैं, वहां जीतेंगे यार, पागल हो क्या? आयरलैंड छोटी टीम है, पक्का जीत जाएंगे ना बुमराह है कैप्टन, आयरलैंड। जैसे बुमराह तुमने कैप्टन। आयरलैंड की बात करी, आयरलैंड टीम की बात करते हैं। आयरलैंड में एक तो जसप्रीत बुमराह खिला लिए, एक इनकी पूरी जो ब्रह्मांड की उम्मीद है ना उसी आदमी टिकी हुई है, ये एक ही रोना रो रहे हैं 1 साल से, हमारे पास श्रेयस अय्यर नहीं है वो इंजर्ड हो गया है, हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है वो इंजर्ड हो गया है। अभी तो तीन टीम बना के जीत रहे थे, अब ये बिना जसप्रीत बुमराह के वेस्ट इंडीज से भी नहीं जीत पा रहे हैं, और बुमराह को आयरलैंड लेके गए हैं उसको कप्तान बना दिए सीधे। कप्तान इनको उसमें बनाना चाहिए ऋतुराज को, क्योंकि वो एशियन टीम का भी कैप्टन था। पागल हो गया? सही बनाया है, इंडियन टीम कुछ गलत नहीं करती, ना सिलेक्शन कमिटी कुछ गलत करती है, और ना क्या नाम बताया था उसका, अजीत भैया अजीत भैया, अजीत भैया कुछ गलत नहीं करते हैं। बुमराह को आए हैं पहले ही कैप्टेंसी दे दिए, अब वो अपनी बॉलिंग पे थोड़ी ध्यान देगा, वो सबको खिलाएगा कि तुम यहाँ खड़े हो तुम वहां खड़े हो, हार्दिक पांड्या के जैसा कप्तान तो है नहीं कि कह देगा तुम लोग खड़ो हम बॉलिंग करने आ रहे हैं और बैटिंग में हम ही सबसे पहले करेंगे ओपनिंग कर रहा, मारा ओपनिंग ही कर। 35 रन स्ट्राइक। ये हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऋतुराज को, जैसे तुमने कहा ऋतुराज को कप्तान बना देते आयरलैंड के खिलाफ, तुमको क्या जरूरत पड़ गई भाई इतना सोचने की, इतनी बड़ी टीम थोड़ी नहीं है। अच्छा लेकिन जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज में खेले तो सोचना तो अगर आयरलैंड से हार जाते हैं तो फिर तो जाते, अभी 18 तारीख से मैच, कुछ बोलो नहीं, धागा वागा बांध के बैठे, अगर हम हार गए ना मन्नत मान के बैठे हैं कि 3 मैच जीतने हैं। ट्विटर में थोड़ा बवाल कम कर दिया, अगले साल T20 वर्ल्ड कप आने वाला वो है, उसके तो टेंशन नहीं है। हाँ, वो तो हारना तय है उसमें, इस और तरह ये हरकत है नहीं जीत और पाएंगे। जो ODI वर्ल्ड कप आ रहा है। अच्छा हमको एक बात बताओ, बाकी सब छोड़ो, ODI वर्ल्ड कप की हमको तुम 15 प्लेयर जो खेलने वाले उनके नाम गिना दो, तुम क्रिकेट देखते हो ना अपने हिसाब से बता हाँ, दो हम तो गिना देंगे पर उनको लिया नहीं जाता ना। तो गिनाओ, तो पहले हम अजीत को टैग कर देंगे, गिनाओ
अजीत तुम्हारा टैग देखता तो तुम यहाँ ना बैठे होते पहली बार तो। वापस जमीन में आओ, इतना अजीत के दोस्त नहीं। ये बात अगर बीसीसीआई को समझा दे कि वापस जमीन में आना है, अगर उनको समझ में आती तो टीम वर्ल्ड कप जीत जाती। चलो फिर छोड़ो इस बात को। आयरलैंड की जो टीम है उसमें कुछ जो नए लड़के लिए गए हैं, जैसे दुबे, दुबे का आईपीएल का करियर तुमने देखा किस तरीके से मार रहा है, धोनी के संरक्षण में आके अच्छा खेल रहा है। दुबे के साथ और दो तीन प्लेयर हमको उसमें अच्छे लग रहे हैं, जैसे ऋतुराज। ऋतुराज को मतलब ये फॉरवर्ड स्कीम्स में लेके आया जा रहा है कि हम आगे चल के इसको खिलाएंगे, लेकिन ये हर बार एक ही तरीके की चीज होती है कि हम एक साल किसी बैट्समैन को कैरी करते हैं, फिर जब वो टूर्नामेंट आने वाला होता है तब उसको ड्रॉप कर देते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चहल, T20 का सबसे बेस्ट बॉलर है पिछले 5 साल, नो डाउट, और दो वर्ल्ड कप है, दोनों नहीं खेला, दोनों नहीं खेला, पूरे साल खिलाते हैं, खिलाते किसको है उसको, क्या था KKR का गेंदबाज कौन है। तुम्हारी भी हालत अजीत अगरकर की तरह हो गई, तुम अच्छे खिलाड़ियों को भूल चुके हो। वो भी ऐसे ही करता है, 5 महीने के लिए बने, कम से कम घूम ही ले, क्योंकि बदल ये बहुत जल्दी देते हैं, जैसे ही टूर्नामेंट ये हारेंगे वैसे ही ये बदल देंगे। और जिस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन किया है, फिलहाल मुझे आयरलैंड सीरीज तो हो सकता है लगते बिकते किसी तरीके से गिरते पड़ते जीत जाएं, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हमें हालात जो है बहुत खराब नजर आ रहे हैं भैया। इन लोगों को सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया देखो, वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले अपनी टीम अनाउंस कर दी। हाँ, और इंडियन टीम हर टीम तो छोड़ो, टीम तो अनाउंस कर ही दी, पर साथ ही साथ में उनके जो मेन प्लेयर, इंग्लैंड के मेन प्लेयर देख लो बेन स्टोक्स, उनको रिटायरमेंट से ही वापस ले आ रहे हैं। वो अपने सीनियर प्लेयर को घर से बुला रहे हैं कि भैया खेल लो ये वाला वर्ल्ड कप यार, खेल लो, घर पे उनको बाहर भेज दे। और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, शिखर धवन कह रहे हैं तुम्हें नहीं एशिया कप में भी नहीं खिलाएंगे, एशियन गेम से भी नहीं खिलाएंगे, वर्ल्ड कप तो खिलाएंगे नहीं, क्योंकि अब 11 में जीत गए वो इतिहास बना रहना चाहिए। सीधी बात है, ये लोग सोच क्या रहे हैं, ये तो हमारे और इनके दिमाग से परे है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।